आपका पार्ट 5 ऑफ दिस लेक्चर, रिवॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। हम देख चुके थे कि ली कमीशन तक क्या हुआ। ली कमीशन ने एक बड़ा स्टेप लिया, यूपीएससी की स्टैब्लिशमेंट जो थी वो इसी लाइंस पर हुई हमारी। तो अब हम बात करते हैं 1935 एक्ट और जो फाइनल इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस रिस्ट्रक्चरिंग जो हुई थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले 1935 के बारे में देखते हैं कि 1935 का एक्ट जो था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ये बनाना चाहते थे, उसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर का जो पहला लेसन था हमें इसी एक्ट से मिला था, ठीक है। तो इसमें ये भी कोशिश की गई कि द राइट एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज वर केयरफुली प्रोटेक्टेड। देखिए, सिविल सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल था टुवर्ड्स द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट अफसर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, वही उनके साम्राज्य का एक तरह से यहाँ पर जो एक तरह से मेंबर होते थे या फिर रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तो उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई, उनको अच्छी सैलरी दी गई, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफस्टाइल सब कुछ दिया जाता था। तो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड द प्रिविलेज ऑफ सिविल सर्विसेज वाज द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल। सो इम्पॉर्टेंट इट इज़, गवर्नर्स और गवर्नर जनरल, इनकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके राइट और प्रिविलेजेस उनको मिलते रहें। सो यू कैन सी हाउ मच एम्फेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज दिस 1935 एक्ट हैज़ थ्रोन। सो इट वॉज पुटिंग इट्स फोर्स बिहाइंड the civil services, it wanted them to be protected and them to be well facilitated for their services. So इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी जरूरी, जैसे आर्टिकल 311 अपना है उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट सिविल सर्विस वॉज नॉट डिसमिस्ड बाय फ्रॉम द सर्विस बाय एन अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ द ऑफिसर्स हु हैड अपॉइंटेड हिम। एग्जैक्टली यही लैंग्वेज आर्टिकल 311 में है कि जिस ऑफिसर ने उनको अपॉइंट किया है उससे लोअर रैंक का बंदा उसको डिसमिस नहीं कर सकता। ये क्या पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सैलरीज, पेंशन और इन्वॉल्वमेंट जो है वो वोट ऑफ लेजिस्लेचर में नहीं होते, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया आज भी, और उस पर कोई वोटिंग नहीं होती। वोट फॉर ग्रांट वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाता है, ऐसा ही कुछ उस समय किया गया था। एक्ट प्रोवाइडेड द सेटिंग अप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दिस फेडरेशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच ऑफ द प्रोविंसेस थ्रू टू और मोर प्रोविंसेस कुड एग्री टू हैव अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 3152 उसमें क्लियर कट डिफाइंड है कि अगर दो स्टेट चाहते हैं एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश होगा फेडरेशन के लिए, सेंटर के लिए। ये पूरा का पूरा आर्टिकल 315 के पॉइंट नंबर 2 में आपको मिलेगा। अब इंडिपेंडेंस हो गई, आज़ादी मिल गई, तो अंग्रेज़ों के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उससे आज़ादी शायद नहीं मिली हमें, वैसा ही लगभग हम यूज़ करें थे पैटर्न। तीन तरह की सर्विसेज थी, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, ये स्ट्रक्चरिंग हुआ, ठीक है। और इनको फाइनली बनाया गया और थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आज हुए होंगे इनके बीच में, लेकिन लगभग ऐसा ही आज भी जैसे इनका फॉर्मेशन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिकॉग्नाइज ओनली टू ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS एंड IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज को ही कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया। IAS ने ICS को रिप्लेस किया और इंडियन पुलिस की जगह इंडियन पुलिस सर्विसेज आया 1951 में। 1966 में एक ऑल इंडिया सर्विसेज की लास्ट सर्विस द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज क्रिएट की गई और ऐड की गई। मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट दे आर सेंट टू डिफरेंट स्टेट कैडर्स। देखिए, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही वही लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में ट्रेन करता है, लेकिन इनको स्टेट के कैडर में बांटा जाता है। बात चल रही IPS और IAS की, हर एक 24 कैडर में अपने उसमें इनको बांट दिया जाता है। जैसे हो सकता है आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो, आपको ट्रेनिंग हुई, आपको राजस्थान कैडर ड्रॉ हो गया, अब आप पूरी ज़िंदगी आप राजस्थान पुलिस के मेंबर रहोगे एक्सेप्ट यू आर कॉल्ड फॉर सेंट्रल सर्विसेज ड्यूटीज बाय द गवर्नमेंट। दे सर्व द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स टू विच दे आर अलॉटेड इन देयर सर्विस कंडीशंस एंड ऑल्सो गवर्न बाय द स्टेट्स। उनकी सर्विस कंडीशन मतलब कहाँ उनको पोस्टिंग रहना है, कहाँ उनकी सर्विस चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए, ये सब स्टेट डिसाइड करेगा। लेकिन डिसिप्लिनरी मैटर जब भी होगा, इट कैन बी ओनली टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द UPSC। जब भी उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो दे हैव टू रिकमेंड द केस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल आस्क UPSC टू कैरी आउट इंक्वायरी। उसके बाद ही होगा, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हो जाएगा, जैसा कि वो पोस्टिंग कर रहे हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन UPSC ही लेगा। दे ऑल्सो सर्व द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन। वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेपुटेशन में बुलाया। सेंट्रल सर्विसेज में कुछ सीटें पुलिस की होती है, तो पुलिस की कोई सेंट्रल सर्विस नहीं होती, ऑल इंडिया सर्विस होती है, तो ये बीच बीच में यहाँ से बुलाते रहते हैं अलग अलग कैडर से, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज मेनली तीन डिपार्टमेंट्स इनको मैनेज कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज मैनेज कर रही हैं। IAS को तो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल देखता है, IPS को मिनिस्टर ऑफ होम देखता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट देखता है। ये तीन अलग अलग मिनिस्ट्री इनको कंट्रोल करते हैं।
कैडर्स में अपने 24 कैडर हैं, जिसमें से 3 जॉइंट कैडर हैं जो बोलेंगे असम, मेघालय, मणिपुरा, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनाइटेड AUMT। ठीक है, तो इनके कैडर्स इस तरीके से बटे होते हैं। आप एक IAS IPS ट्रेनिंग करने के बाद अपने स्टेट कैडर में पोस्टिंग चला जाता है और पूरी ज़िंदगी उसमें रहता है, जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट किसी फिक्स रैंक के लिए बुलाती नहीं है। ये देखिए, ये एक इमेज है ऑल इंडिया सर्विसेज, आप समझ सकते हैं कि IPS एंड द कलेक्टर और IAS, ये दोनों एक ऑल इंडिया सर्विसेज के कैडर के होते हैं। जैसे ये SP मजौली असम कैडर के ऑफिसर होंगे, ठीक है, तेलंगाना स्टेट की गाड़ी दिख रही है, तो ये हो सकता है किसी और स्टेट कैडर के अफसर नहीं होंगे ओरिजिनली। द सर्विसेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल सब्जेक्ट्स। अब देखिए, सेंट्रल सर्विसेज की बात अब करें, सेंट्रल सर्विसेज जो हैं उनका जो कंट्रोल है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है और वही पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल सब्जेक्ट्स के। ये इनको सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं और ये उसी पर काम करते हैं, स्टेट कैडर वाला मामला नहीं है। इंडियन फॉरन सर्विसेज, इंडियन ऑर्डिनल अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ये आदि जो हैं ये सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनका होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल द सेंट्रल गवर्नमेंट इज। दे वर्क फॉर स्पेशलाइज टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जनरली यही देखा गया कि ये लोग जो होते हैं ये टेक्निकली स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलाइज टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ऑडिटिंग का जैसे हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, उसको मैनेज करते हैं, और ये जिस मिनिस्ट्री को अलॉट किए गए हैं वही इनको मैनेज करती है। इंडियन फॉरन सर्विसेज जो इसके हाईएस्ट ग्रेडेड है और ये मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा या जो विदेश मंत्रालय द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। ये देखिए, इनको कौन नहीं जानता, ज़बरदस्त एक वक्ता, बहुत ही बेहतरीन इंसान, सैयद अकबरुद्दीन, बहुत ही ज़बरदस्त यूनियन एम्बेसडर थे इंडिया के, और ये एक सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, ये CSSO जिसको बोला जाता है, ये एक तरह का सेंट्रल सर्विसेज है जो सेक्रेटरीट वगैरह की मैनिंग करता है। तो ये दो सेंट्रल सर्विस के एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। स्टेट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली स्टेट को दिया गया है, स्टेट का ज्यूरिडिक्शन है, स्टेट मैनेज भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करके इनको रिक्रूटमेंट से लेकर इनके डिसिप्लिनरी मैटर्स वही देखेगा, और इनको स्टेट सब्जेक्ट पर इनको एडमिनिस्टर करना है। 33% ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी, कहाँ से, स्टेट कैडर से या स्टेट सर्विसेज से। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न ऑफ डिवीजन है, जो शक्तियों का, शक्तियों का डिवीजन कैसे है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो इन तीनों लिस्ट की तरह ही हमारी जो सर्विसेज हैं वो भी इसी तरीके से बायफर्केटेड हैं, कौन कहाँ कब एडमिनिस्टर करेगी, और ये एक अपने एडफल्ट फीचर का यूनिक एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, SDM, तहसीलदार, DSP, ये जो तीनों पोस्ट मिलेंगी आपको ये स्टेट सर्विसेज के अंडर ज़्यादातर आते ही मिलेंगी। तो ये था इस वीडियो के रिगार्डिंग, आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।